ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆಂಟಿ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಹಾನಿ ಫೋಲ್ ಫ್ರೀ ಮೇಜ್ ಇದೆ. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ ब्लॉगर पीएफसी. आज मैं कल ही आया था बेंगलोर से, तरुणागलु करके कर्नाटका का एक प्लेस है जहाँ कि मेरा जीजा जी आसाम से आए हुए थे एंड उनका कुछ काम था यहाँ पे, तो उनको लेके मैं यहाँ आया हुआ था. आप देख सकते हो यहाँ का लोकेशन, एरिया काफ़ी अच्छा है देखने के लिए प्लेस. और यहाँ पर कुछ काम चलेगा कंस्ट्रक्शन का, पता नहीं टाइम लगेगा होगा इसके लिए. सो यहाँ से अभी हम लोग फिर जा रहे हैं बेल्लेरी. सो आगे का जर्नी देखते नारियल वाटर, नारियल पानी को पीने पर तालाब है ना. यदि यदि भाई भी हल्का चीसो चीसे जिस अंकल जो 45 हाँ 40 रुपीस आगल तुम जास्ती आयता कुड़ी नीर हाँ गरम है तो काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा होने वाला है, पानी पी के मज़ा आने वाला है. हाँ एक मिनट यहाँ पे डाल देना, देख सकते हो चेस. अंकल का देख सकते हो दांत, आगे का तरफ दो दांत नहीं है. इली आगना काफ़ी भीड़ भाड़, धूप काफ़ी है, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे चलना अभी ये टाइम. सो गाइज, अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरा जीजू को. फाइनली जीजू का काम पूरा ख़त्म हो गया निपटा के, तो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है. मेरा जीजा जी है यहाँ पे. हेलो जीजा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बेंगलोर का? ठीक है, एकदम ठीक. फ्लाइट से ट्रेन में कंटिन्यूली जर्नी हो रहा है कल से, तो पता नहीं चल रहा है. वैसे खाना भी काफ़ी भूख लग रहा है बट नहीं मिल रहा अभी खाना यहाँ पे आसपास. देखते आगे रोड क्रॉस करके जाते. तो ये गाइस देखने में मज़ा है, फाइनली एक होटल तो मिल गया बट पता नहीं इसमें वेज मिलेगा कि नहीं, अंदर जाके देखते हैं. सो गाइस, साउथ में इडली डोसा ही ज़्यादा. हाँ खाना रेडी है, खाना रेडी है.
खाना भी नहीं रेडी तर विदाउट उयो छैन अनियन छैन साउथ में काफ़ी मुश्किल है अपना टाइप का खाना मिलना ठीक है एक इडली एक प्लेन राइस प्लेन राइस में मिल्स दे रहे हो क्या ओके एक मिल्स कर दो और एक इडली हाँ छ चेंज दो बड़ी खाना का पर्चे मिल चुका है यहाँ पे मिल्स का 75 एंड 25 इडली देखते जाके आगे देखते अभी यहाँ पे ये दे देंगे अंकल इडली इडली मतलब मिल्स बंद रेडी दिया तो यहाँ पे जीजा जी को देखो बेचारा कल से अच्छा खाना नहीं हो रहा है जीजा जी का है ना क्योंकि गाइज अपना नेपाली में नेपाली गोर्खाली जो भी है तो अभी का जो टाइम है सोरा सराप बोलते हैं जो हम लोग का एक लाइक पितृ मातृ को सम्मानित करते कोई भी खाना बना के तो ये चीज़ में हम लोग जैसे लहसुन हो गया और अदरक हो गया ये सब यूज़ नहीं करते तो मेरा जीजाजी ने वही उपास का जैसा ही है वही मान रहे हैं तो अभी उनका कुछ ऑप्शन नहीं है तो इडली का अलावा इडली खाली यहाँ पे राइस का बनता है एंड उसमें आपको क्या मिलता है चटनी कोकोनट चटनी मिलता है तो वही खा रहे हैं हम जैसे देख सकते हो यहाँ पे जीजाजी का आ गया है ये दिनों खाने डू नॉट हैव दिस यहीं खाने तक रिमूव कर देना ओके सो ये पूरा प्लेन है इसमें कोई लाइक अनियन नहीं है अदरक नहीं है और उसमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे लिए मिल्स आ रहा है देखते हैं थोड़ा टाइम जीजा जी का एक बाइट देख रहे थे हाँ कर लो और वैसे लेट भी हो रहा है हम लोगों को क्योंकि अभी फिर से ट्रेन लेना है 1:15 का ट्रेन है बेलगाम से बेंगलोर का तो यहाँ से जल्दी जल्दी खा के निकलना है अपने को चलो देखते हैं आगे कैसा है टेस्ट टेस्ट कैसा अच्छा मुझे लगता है जो मतलब जीजा जी इशारा दे रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा है कि मतलब काफ़ी अच्छा है कुछ इस तरह फाइनली मेरा लंच मिल चुका है मुझे आप देख सकते हो राइस पापड़ दही और कुछ सामान है यहाँ पे कुछ सब्जी है तो होप सो अच्छा लगेगा आगे फिर टेस्ट कर लेता हूँ सब्जी नॉट बेट अच्छा है बट काफ़ी खट्टा देखते खाने के बाद मिलता हूँ फिर से टिल द टाइम देख सो ये रहा बेंगलोर का बेल्लेरी रेलवे स्टेशन में फाइनली लंच करके पहुँच चुके हैं हम लोग सो अभी यहाँ से हम लोग बेंगलोर निकल रहे हाँ कितना 115 का था ना ट्रेन 115 का ट्रेन है अभी लेना है जीजा जी देख सकते हो काफ़ी मोटे थक गए होंगे क्योंकि आज काफ़ी गाड़ी में बैठना और बस चलने का काम ही था तो कोई नहीं थोड़ा बहुत पतला भी हो जाएंगे जैसे चल के ही सच बोलूँ तो मैं ही थक चुका हूँ यार ऐसा आदत ही नहीं है इतना घूमने का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है चलो अब जाके टिकट ले लेते हैं कितना अच्छा हवा ओ वाह बेल्लेरी जंक्शन यहाँ पे देख सकते हो आप पत्थर का भी कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा आगे ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि केसरी मूवी में जो लास्ट फाइट था इसी में हुआ था इसी में शूट हुआ था मुझे लगता है देखने में तो सेम है बट पता नहीं कहाँ क्या है स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है ये वाला स्टेशन ना देखने में काफ़ी क्लीन हाइजीन लग रहा है
सोसेट गास टिकट भी जनरल का मिला है, और फिर टीटी को पकड़ के इसको स्लीपर्स में करना होगा, तो काफ़ी मुश्किल टास्क है। नहीं तो 10 घंटा का यहाँ का जर्नी है, तो 10 घंटा में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मुझे पहुँचते। तो हाँ, देख लेते अंदर जाके टीटी से मिल लेते क्या बोलेगा वो, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर जर्नी मस्त होगा और क्या बोल सकते हैं। सबसे टेंशन तो मेरा जीजू का लग रहा है मुझे। एक तो मोटे सीट नहीं मिला तो फिर मुश्किल, टॉयलेट का बाहर बैठ के जाना पड़ेगा। अभी तो काफ़ी हंस रहे हैं, अंदर जाके पता चलेगा क्या होगा। चलो देख लेते हैं अंदर का नज़ारा। चेकिंग होते बोला, हाँ यही तो बोला, अभी इधर चेकिंग हो रहा है तो जाते जनरल का टिकट लेके रिजर्वेशन में घुस गए। देखते बाद में क्या होगा पता नहीं। जीजा जी तो पूरा मतलब क्या बताऊँ, देख लो मजा लेके बैठे हुए हैं। पता नहीं अभी टीटी आने का पता चलेगा क्या करेगा वो, देखते आगे का जर्नी। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी खाली है पूरा ट्रेन, वैसे तो खाली खाली सीट है, देखते हैं आगे जाके। चलो उठा उठा मैं, हाँ उठा चलो, कहाँ चला उठा चलो, वॉशरूम नहीं थी। देख सकते हो काफ़ी खाली है, जीजा जी थकान से बैठे हुए हैं। अभी हमारा मामा जी आने के बाद ही पता चलेगा क्या करेंगे। खेदाएंगे तो भागेंगे, नहीं तो यहीं पे मैनेज कर लेंगे, है ना। तो अभी ट्रेन का जर्नी भी स्टार्ट हो रहा है, बेल्लरी से ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से अभी बेंगलोर जंक्शन हम लोग कितना बजे पहुँचेंगे, 10:30 बजे। सो लगभग 11:30 हो जाएगा रूम में पहुँचते। सो देखते गाइस, ये रेंडम वीडियो था एक्चुअली, मैं जीजू को मिलने आया था एंड देन मैंने सोचा कि चलो एक जर्नी का कर लेता हूँ कुछ, बट इतना इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। देख अभी बेंगलोर का सवारी कर रहे हैं, ट्रेन निकल चुका है यहाँ से, गाइस देख सकते हो आप लोग काफ़ी खाली खाली है स्टेशन। फाइनली टीटी मिल गया, और टीटी को हम लोग ने 142-80 रुपीज़ दे के हम लोग ने इवन सीट भी पक्का कर लिया। यशनपुर रेलवे स्टेशन जहाँ से हम लोग गए थे कल, सो फाइनली आज पहुँच चुके हैं। मेरा जीजा जी मेरा साथ में ही है, आप देख सकते हो। जीजा जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप बोल दो थोड़ा। एकदम बढ़िया, थोड़ा लाउडली, बहुत बढ़िया था। हाँ बहुत बढ़िया था जीजा जी का, थोड़ा देख लो कैसा है। काफ़ी हैंडसम लग रहे, दो दिन पूरा ट्रेन एंड फ्लाइट का जर्नी करके पहुँच गया हूँ, सब बेंगलोर पहुँच गया हूँ। अभी अभी जा रहा हूँ अपने रूम में, और वहाँ जाके सब मस्ती करेंगे, हाँ। और खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, हाँ। So he is more excited to see the Bangalore, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अब देख सकते हो यशवंतपुर का रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जगह तो दामी देखे नहीं यार, है दामी आगे सर है। यशवंतपुर वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये रेलवे स्टेशन में, मैं कभी नहीं आया था। तो मेरा जीजू आए हुए थे गांव से, तो फर्स्ट टाइम मैं लेके आया था,
सो यहीं से हम लोग का जर्नी था कल से, लाइक तरनुगुल्ला जो कर्नाटका का अंदर ही आता है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। एंड वहाँ से फिर कुछ काम था जीजाजी का, ऑफिशियली काम, सो वो ख़त्म करके फिर बेल्लेरी आए। बेल्लेरी में भी कुछ काम था, सो वहाँ पे ख़त्म करके फिर से बेल्लेरी से हम लोग फिर से ट्रेन लेके वापस बेंगलोर। सो फाइनली वी रीच हियर। आप देख सकते हो जीजाजी आगे का तरफ आ रहे हैं मेरे तरफ, सो कैब बुक करके हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। लेट्स सी आगे का, देखते हैं नज़ारा गाइस। और भी काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना लाइक सच में बोलूँ तो बेंगलोर का वेदर अभी काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो बट मेरा जीजू पहले बार बेंगलोर आए हैं एंड आप देख सकते हो लाइक टी शर्ट में ही है क्योंकि असम में काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ का जो वेदर है उनके लिए काफ़ी मतलब नॉर्मल लग रहा है। मैंने जब पूछा तो कितना मतलब ठंडा गर्म कितना लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी, सो इसीलिए वो लाइक टी शर्ट में ही है। सो देखते हैं आगे। और जीजा यस गाइस, तो यहाँ से ऑटो लेके हम लोग निकल चुके हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं रूम में। तो कितना टाइम लगेगा भैया यहाँ से? वन आवर लगेगा, हाफ एन आवर में पहुँच। यस फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जर्नी वॉज वेरी नाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।